हाय, मुस्कान डॉट शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज का जो मेरा ब्लॉग है, मैं कई दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि मुझे कोई टॉपिक ही नहीं मिल रहा था कि मैं किस चीज़ के ऊपर डालूं। तो गाइस, आज जो है, आज मेरी मम्मी ने कन्याओं को शरबत पिलाने के लिए यहाँ पे मतलब बुलाया है। और मतलब क्यों बुलाया है, मैं अपनी मम्मी से खुद ही पूछूंगी, मैं आपको दिखा देती हूँ कि सारे बच्चे आ चुके हैं। तो गाइस, थोड़ा सा मैं मतलब ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई, मैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। फिलहाल तो बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं आप सबको मिलवा देती हूँ सारे बच्चों से, जिसमें कि कन्या भी हैं और लंगूर भी है। ठीक है गाइस, तो बताना आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, लेकिन आप प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट में कैसा लगा। ठीक है, जब तक हम सबको बच्चों से मिलवा देती हूँ। तो गाइस, ये बैठे बच्चे और देखो, इसमें कन्या भी हैं और लंगूर भी हैं। तो मम्मी ने इनको शरबत की पार्टी दी है, मतलब शरबत पिलाने, जैसे कन्या खिलाते हैं ऐसे ही शरबत पिलाने के लिए बच्चों को बुलाया है। मम्मी, किस लिए बुलाया है, आज क्या है? शरबत पिलाने के लिए बुलाया। मम्मी, कुछ तो चल ही रहा होगा ना? दशहरा, दशहरा की वजह से शरबत पिलाने के लिए बुलाया है। मतलब काफ़ी घरों में पिलाया गया है, काफ़ी लोग नहीं मनाते तो उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन मम्मी का मन था कि मैं भी बुलाऊंगी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि करेंगे करेंगे करेंगे, तो आज फाइनली ये हो गया है। ये बहुत तड़प रहा है, इसके लिए ज़रूर कमेंट करना गाइस। तो गाइस, मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों इतना मेकअप करा है। मैं ना रील्स बनाने जा रही थी, तो सोचा मैं आपको एक बार ब्लॉग बना के दिखा देती हूँ। ये देखो बैठे बच्चे, ऐसा नहीं लग रहा जैसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हों अलग अलग। ये नहीं मेरी मम्मी। तो गाइस, आप ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा और मैं कैसी लग रही हूँ, ये बताइएगा। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही मेकअप क्या किया है, लेकिन गाइस, ये मैंने इस ब्लॉग बनाने के लिए नहीं किया, मैं रील्स बनाने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मतलब अभी सब मतलब आपको सबसे मिलवा देती हूँ मैं, थोड़ी देर में रील्स भी बनाऊँगी मैं, जो कि मैंने आप लोग देख सकते हैं। मेकअप साथ मैंने कपड़े तो नहीं चेंज करें, पर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा मेकअप कैसा है, जो कि मैंने खुद करा है अपने आप। थोड़ा सा मुँह मार दो, इसके बाद हम चार दूसरी बार। अभी कितने क्लास पीछे हो गए तुम लोग? सब लोग पी चुके हैं, मैं ब्लॉग बनाने थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन अभी रेडी हो गया। मम्मी कह रही है खूब पियो 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 पियो, पेट ठंडा कर लो। गाइस, अगर आज का मेरा ज़्यादा ब्लॉग, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं होगा, मेरा छोटा ही ब्लॉग है। अगर मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा। और गाइस, मैं इतने दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी। जब अंदर से मन ही नहीं ठीक होता तो फिर कैसे मतलब मैं ब्लॉग बना सकती हूँ। तो सोचा मैं आज आप सबसे जो भी है शेयर कर लेती हूँ। और फिर कुछ टॉपिक पे ही बनाया जाता है, तो टॉपिक तो ये भी था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना आप सबसे शेयर कर लेती हूँ। तू बैठ जा, तू क्यों खड़ा है? ये कौन है? भाई नाम मत बिगाड़ो किसी का। और गाइस, आज मेरे लेंस कैसे लग रहे हैं? तो गाइस, आप लोग सभी बताइएगा दशहरा में कौन कौन घर में कन्याओं को बुला के शरबत पिलाता है। काफी लोगों ने तो बाहर बांटा भी है, लेकिन जिसने बांटा है वो पहले घर में ही कर लेते हैं, लेकिन शायद हम लोग नहीं बांटेंगे। हम लोग घर में ही मतलब कन्याओं को ही पिला के मतलब अपना जो भी है वो समाप्त कर देंगे, बाहर हम शरबत नहीं बांटेंगे। तो ज़्यादातर देखो, दान जो होता है वो कन्या को करना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है वो। बाहर तो खैर जब तब करो जब मतलब करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं है, अपने हाथ में गुंजाइश हो सब करते हैं। तो हम तो खैर हम नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग अपने मतलब घर में ही बच्चे बुला के घर में ही पिला ले रहे हैं। लो, एक और आ गया स्मॉल बॉय। अरे स्मॉल बॉय, ये देखो आ गया, ये कन्या आया, ये ट्यूशन पढ़ने आया है। मैं भी आ रहा हूँ। हाँ, तू भी आ रहा है। देख, इस बच्चे को जरूर याद रखना, ये मेरे कान खा गया है। सबने शरबत पी लिया है, कोई गिलास लेके आए थे क्या सारे? अपने
कुछ ले गए, अभी लोग जा रहे हैं। अच्छा, आई लाइक योर लेंस। किसको नहीं मिले? थैंक यू। लक्ष्य तुम्हें मिले? तो अभी लोग जा रहे हैं, गाइस दिखाती हूँ बस। अगर जैसे हम लोग नवरात्र में कन्या करते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, पूड़ी दो, सब्जी दो, हलवा दो, क्योंकि इसमें तो टाइम लग रहा, क्योंकि इसमें यहाँ पे शरबत के अलावा कुछ और है ही नहीं, तो बच्चों ने पी लिया, पेट भी भर गया उनका, तो अब अपने अपने घर जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ तो मिलते हैं, बने रही मेरे ब्लॉग में, मैं आपसे सब कुछ शेयर करती रहूँगी। अभी बच्चे जा रहे हैं, आपको पैसे दे दिए सबको, दिखाओ पैसा आपसे मिलेंगे। पाँच रुपये कोई नहीं, करने वाले तो 10-10 रुपीज़ देते हैं। ओ यार वो मेरे अभी जा रहे हैं बच्चे, आप लोग देख सकते हैं, अब जा रहे हैं बच्चे, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप सब लोग कमेंट्स करके कमेंट ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैं कैसी लग रही हूँ आपको ये भी ज़रूर बताइएगा। आप लोग सोच रहे होंगे मेकअप इतना करा है और टी शर्ट कपड़े इतने गंदे पहन रखे, तो गाइज बच्चे मतलब ब्लॉग के चक्कर में मैंने सिर्फ मेकअप में कर पाई थी, मैंने सोचा कि आपसे मैं शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं रील्स बनाऊँगी तो मैं यूट्यूब पे ज़रूर शेयर करूँगी, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए, और मैं कैसी लग रही हूँ वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो बस हो गया फाइनली, अब जो हमारे घर के बच्चे हैं वो घर में हैं इस वक्त। ये है मेरी दीदी की लड़की, बताइए कैसी है, अच्छी है ना। और ये रहा नटखा, और ये रहा ये हमारा है छोटा सा लल्ला, ये है मेरी जो मामी है उनका बेबी है ये, तो इसको हमने बुलाया था शरबत पिलाने पीने के लिए, तो थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, अब हम इसको अब पिलाएंगे, और क्योंकि यहाँ पे ना ये ट्यूशन भी पढ़ता है, तो सोचा कि मैं आ जाता हूँ बैग लेकर, ये देखो बैग अपना बैग लेकर आया है, यहीं पर ट्यूशन भी ले लेगा अपना, और लेट हो गया तो इसको हम बाद में ही अब मतलब अलग से इसको शरबत पिला देंगे, ठीक है गाइज। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो नीचे का लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलें, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, आज का ब्लॉग ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा, और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है गाइज, बाय।